चंडीगढ़ सेक्टर 10 स्थित होटल माउंट व्यू के ठेकेदार कमलजीत सिंह बजाज ने चंडीगढ़ के एक्साइज विभाग में तैनात अफसरों पर तंग परेशान करने के आरोप लगाए हैं। पत्रकार वार्ता करते हुए बजाज ने आरोप लगाया कि भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कोर्ट में मामला ले जाने के कारण उसके ठेके बंद कर दिए गए और उसको तंग परेशान कर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बजाज ने ये भी दावा किया कि उन्होंने कुछ ऑफिसरों की इस करतूत का वीडियो भी बनाया है जो कि जल्द मीडिया के सामने पेश करेंगे। एक्साइज डिपार्टमेंट में हमने जो ठेके लिए पिछले साल से, तब से पिछले साल से मिस्टर रविंदर कौशिक एज ATC जो उन्होंने ज्वाइन किया और वो हरियाणा से आए थे, मिस्टर रमेश बटेजा वो हरियाणा से आए एज ETO, तो ये नहीं समझ में आई कि ये हरियाणा वालों को हरियाणा लाइसेंसी को बेनिफिट देना चाहते थे या इनकी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग कुछ लोगों के साथ कैसी थी जो इन्होंने हमें हरासमेंट की भी कोई लिमिट होती है तौबा ही करवा दी है हमारी, मतलब हाथ ही जोड़वा दिया और हमने हाथ भी जोड़ के माफ़ी तक मांग ली, सब कुछ वो कर दिया जो ये चाहते थे। पर ये बढ़ते ही गए, जहाँ तक हम झुकते गए ये आगे बढ़ते गए एंड दे ट्राई टू नेल अस डाउन लाइक एनीथिंग, मतलब कोई लिमिट भी होती है इस चीज़ की, जहाँ तक कोई मरोड़ा जा सके वहीं तक करना चाहिए। 1.5 साल मैंने आपको अभी भी ब्रीफ किया, मेरे पास इन्होंने मुझे एक तरह से मतलब लिखारी बना दिया। मैंने कोई एक दिन नहीं होगा जब एक्साइज में कोर्ट में धक्के नहीं खाए। मैं इन पे तो क्या ही, मैंने कोई बात एलिगेशन लगाना था, मैं तो अपनी डिफेंस करता रह गया हूँ, कभी ठेके खुलवाता रह गया हूँ, कभी लाइसेंसों को ओपन करवाने के लिए लगा हूँ, अभी भी लाइसेंस बंद हैं। हार के इन्होंने मेरे ऊपर उल्टा FIR दर्ज करवाने की कोशिश की है 2 बार,